इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां आपको बताते चले कि केशकाल में किसानों पर लाठी चार्ज का पुनः मामला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला, बोला बीजेपी ने 5 सदस्य जांच कमेटी की एक टीम गठित की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां केशकाल में किसानों पर लाठी चार्ज हुई है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी ने 5 सदस्य जांच कमेटी की एक टीम गठित की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां केशकाल में किसानों पर लाठी चार्ज की गई, जिसके बाद बीजेपी में आक्रोश देखा जा रहा है और लगातार किसानों पर जो लाठी चार्ज की गई है उसको लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है। आपको बता दें बीजेपी ने 5 सदस्य जांच कमेटी बनाई है। उस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां किसानों पर लाठी चार्ज का पूरा मामला है। केशकाल में किसानों पर लाठी चार्ज की गई थी, उसके बाद किसानों के साथ साथ बीजेपी में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगातार हमला बोला है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने 5 सदस्य जांच कमेटी बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। और इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से निधि प्रसाद संवाददाता लाइव जुड़ गई हैं। निधि, अभी फिलहाल क्या किस तरह की अपडेट मिल रही है? जी, आपको बता दें कि कांकेर के जिले के केशकाल में सभी जो किसान हैं उनके उन पर लाठी चार्ज की गई है पुलिस के द्वारा। इस दौरान जो बीजेपी के नेता हैं और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, वे लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए यही कह रही है कि इस तरह की जो हरकत किसानों पर हुई है, इस तरह से जो पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की गई है किसानों से, वो काफी हद तक गलत है, जिसके लिए 5 सदस्य दल गठित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वहीं अगर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की बात करें तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो है जो वो जांच की जाएगी, तो इस पूरे मामले पर जांच के बाद ही ये फैसला होगा कि आखिर गलती किसकी है। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू ने ये भी कहा है, जांच के दौरान अगर पुलिस की गलती होती है तो उस पर भी कार्यवाही सख्ती से की जाएगी और जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा और जिसकी गलती है उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट किया है कि जो किसान खेत का सीना चीर करके रोटी देता है और जो किसान इतनी परेशानी सह करके सारी मदद हमें देता है, हमें खान पान की चीजें मुहैया करवाता है, उन किसानों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, ये काफी शर्म की बात है। और कांग्रेस पार्टी अब कहां गई और कांग्रेस पार्टी के वो वादे, वो मुद्दे अब कहां गए जो किसानों के किए गए थे, जो किसानों के हक में उनके लिए फैसले किए गए थे, वो कहां गए? अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो महलों में चेहरा क्यों छुपाए हुए हैं? इस शायराना अंदाज में डॉक्टर रमन सिंह ने निशाना साधा है भूपेश बघेल पर और उन्हें कहा है कि इस सभी कार्यों की वजह से जो लाठी चार्ज की गई है, इसकी वजह से काफी परेशानियां आ, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ये अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं, मंत्री धर्मलाल सिर्फ वही रमन सिंह ही नहीं, ब्रजमोहन अग्रवाल भी इस बात पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि जो पूरे प्रदेश में धान खरीद को लेकर अव्यवस्था फैली हुई है, उसे लेकर किसानों को अब मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ रहा है और इसी वजह से ये जो परेशानियां हैं वो लगातार दिख रही हैं। वहीं 2 दिन शेष रह गए थे किसानों को धान खरीदी के लिए, इससे बौखलाहट की वजह से जो किसान है वो सड़क पर उतरने को मजबूर हुए और सभी किसानों ने, जिसकी वजह से पुलिस को लाठी चार्ज कर किसानों को सख्ती से हटाना पड़ा। ये पूरा जो मामला है, पूरा जो मुद्दा है, सिर्फ किसानों पर लाठी चार्ज करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते ही जा रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है निधि कि जिस तरह से लाठी चार्ज की गई है, कहीं ना कहीं खुद में ही एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि अन्नदाता पे लाठी बरसाई जा रही है। ये शर्म की बात है। बीजेपी के नेताओं ने भी इस तरह का बयान दिया, लेकिन वजह क्या कुछ बताई जा रही है लाठी चार्ज की? फिलहाल जो चक्का जाम की स्थिति पैदा हुई थी उससे उभरने के लिए, उसे तुरंत
हटाने की वजह से जो पुलिस है उनका कहना कहीं तक किसान नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा। लेकिन वहीं इस बात पर जहां बीजेपी के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि इस पर अब जांच की जाएगी और जांच के बाद जिसकी गलती सिद्ध होती है उस पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनका यही कहना है कि अब जो किसानों की धान खरीदी की तिथि है उसमें कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां भी उत्पन्न हो रही हैं। इसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है और इसकी वजह से जो मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल है उनका ये भी कहना है कि अब धान खरीदी की जो तिथि है उसे बढ़ाकर 29 फरवरी की जाए। सरकार से एक तरह से वह मांग भी कर रहे हैं कि जो धान खरीदी की तिथि है उसे बढ़ाकर 29 फरवरी की जाए, ताकि जो धान खरीदी में परेशानियां आ रही है और कई जगहों में धान खरीदी की जो समय है उसकी वजह से लोग धान खरीदी नहीं कर पाए हैं, किसानों को परेशानी हो रही है, इस वजह से अब धान खरीदी की जो तिथि है उसे बढ़ाकर 29 फरवरी तक की जाए। और इस तरह से सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं धान खरीदी को लेकर। लगातार सियासत गरमाई हुई है जो किसानों पर। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे थे।